ये डी से डोरेमोन नहीं, ये डी से डीवा है. एक अपनी पूछ साइड रख चल. शी इज एक्चुअली वेरी यंग, नॉट यंगर देन मी. बट आवाज अच्छी है यार, मतलब तुम सही प्रोफेशन में आई हो. थैंक यू. ये नहीं कि सेम टू यू, बैक टू यू. घंटा रोलिंग. हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा एंड आई हैव सोनल कौशल विद मी. ओह माय गॉड, लाइक शायद जब आप पैदा भी नहीं हुए होगे तब इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कदम रख दिया था. हाँ, मैं बहुत बूढ़ी हूँ. नहीं, आई रियली फील लाइक तेरी डिलीवरी ही आई थी एक एक स्टूडियो में हुई है, बिकॉज आई थिंक वॉज फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज यू हैव बीन इन द स्टूडियो. हाय गाइज, मैं हूँ सोनल कौशल, द मोटर माउथ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहले बोल दिया मैंने. वाह, ये हमारी बातचीत का मेन हिस्सा यार. द मोटर माउथ बोल के ऐसा मुझे याद आ जाता है. मोटर क्या, इतना कौन सा पानी भरा हुआ है आपके अंदर? अच्छा, पानी की आवाज भरी हुई है. एक सेकेंड ना, मोटर हर चीज की, किसी भी चीज की हो सकती है ना. किसी भी मशीन में मोटर हो सकती है, खटारा भी हो सकती है. इनके घर में पानी की मोटर ही होती है, दिल्ली में रहते हैं लोग. वैसे गीजर भी नहीं है घर में, पर ठीक है. आर्थिक स्थिति अच्छी है, बट वी जस्ट डोंट लाइक चूज टू. सब ठीक है. ये ना गाड़ियों में घूमती है, मैं यहाँ पे ऑटो से आई हूँ, रिक्शा से. ये मैडम गाड़ी में आई है. आई डोंट वांट टू टेल यू द मॉडल बिकॉज़ देन यू विल जज. एवरीवन हु आस्क यू हु आर यू, कौन हो तुम, तो हम बोलते हैं हम वॉइस आर्टिस्ट हैं. एंड दे आर लाइक एक्सक्यूज मी, वो क्या है? आप पहले स्कूल जाइए और पढ़ के आइए. यार आजकल सबको पता होता है यार, वॉइस आर्टिस्ट मतलब वॉइस एंड आर्टिस्ट, आवाज के आर्टिस्ट. आवाज हाँ है, ये लोग कहाँ से आते हैं लोग जो तुमसे पूछते हैं? मेरे को ही मिलते हैं और दिल्ली में ही मिलते हैं ज्यादातर. क्या यार, मैं भी दिल्ली से हूँ यार. दिल्ली वालों क्या कर रहे हो तुम यार? एक्चुअली शी इज फ्रॉम दिल्ली एंड नाउ शी इज इन मुंबई. यू नो लाइक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है मैडम. यस, ये अब वो नदी की मछली नहीं है, ये समुद्र की शार्क है. कितने साल का एक्सपीरियंस है माते, हमें बता दे. अब ये लड़की चुप होगी तो मुझे बोलने देगी ना, ये मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही. आई स्टार्टेड एट व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड. 8 साल की थी और रेडियो के साथ शुरू किया था मैंने. हाँ, रेडियो इज द बेस्ट स्कूल आई थिंक. रेडियो, काश रेडियो में सबका स्कूल खुले. फुल अटेंडेंस, बेस्ट स्कूलिंग फॉर अ वॉइस आर्टिस्ट. बट व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइक? यार पहला प्रोजेक्ट क्या था? और तुम 8 साल की थी, तुम कैसे पहुंची? तुम अपने स्कूल में क्यों नहीं गई? तुम भटक गई थी, तुम तारे जमीन पर की थी? मुझे लगता है क्वेश्चन पोर्शन ही इतना लंबा हो जाएगा ना कि आंसर देने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है. बोलूं मैं? हाँ, या या सर, या कंटिन्यू. तो मेरी मम्मी ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी. ओह यस, दैट इज हाउ. परंपरा, या प्रतिष्ठा और अनुशासन. ये लड़की मुझे बोलने नहीं देगी. सॉरी. हां ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी. टेप है भैया, टेप है. लो, मैं चुप हो गई. हो गया तुम्हारा? हां. तो बंदर की तरह ऑल इंडिया में मम्मी अनाउंसर थी. आगे ऑल इंडिया में नहीं, ऑल इंडिया रेडियो में. सॉरी, ऑल इंडिया रेडियो में मम्मी अनाउंसर थी, आंटी अनाउंसर थी. तो वहाँ पे ऐसे एक बच्चों का शो था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे और कोई पोएम सुना रहा है, कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है. कोई पैर मत मारो तुम मुझे. सॉरी. तो ऐसा एक शो था, वहाँ से शुरू हुआ था. डबिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट था डोरेमोन. What was your age when you started Doraemon? I was 13. So Doraemon जैसी आया, I think you were the voice. I was the voice. Yes. So कहते हैं जब voice, जैसे मैंने आकाश से भी पूछा था जब मतलब he did the first voice of Shinchan, तो जब पहली बार बनती है हमारे पास रेफरेंस रहता है. ठीक है, हम तो हैं डुप्लीकेट, हम तो नकली माल है, हम तो हैं चाइनीज, यही लोग हैं असली जापानीज. मैं भी तो छोटा भीम की वॉइस कर रही हूँ और आई थिंक आई एम ऑल्सो आई थिंक थर्ड फोर्थ फिफ्थ वॉइस ऑफ छोटा भीम. आई डोंट नो. क्या बात कर रहे हो? मुझे पता है कि कंधों पे इतना भार होता है. वैसे ना छोटा भीम की वॉइस मुझे भी आती है, तो मैं 7-8. हाय, मुझे भी आती है. मतलब क्या? इफ यू आर वाचिंग. रोज सुबह सुबह आती है, रात को आती है, कब आती है? नहीं, बट जेन्युइनली मतलब जब शुरू हुआ तो मतलब डोरेमोन की वॉइस आप अगर सीरियसली मेरे पूरे YouTube चैनल पे आई ट्राई डिफरेंट वॉइसेस, बट जेन्युइनली बोलूं मुझसे डोरेमोन की नहीं होती. मैं लिटरली बिकॉज इट हैज डिफरेंट, वो स्वीटनेस है ना, वो मिठास एक अलग है यार उसकी. स्वीटनेस नहीं, द राइट वर्ड इज इनोसेंस. वो जो मुझ में नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि मैं तो शैतान हूँ. देखो ये है ना शिनचैन नोहारा, ये सबसे बदमाश बच्चा. मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मेरी क्या बिगाड़ा है तुम्हारे. मतलब
हाउ डिड यू कम अप विद द वॉइस? जब यार वो मेरी नेचुरल आवाज थी है? हाँ, उस वक्त। और फिर जब मैं धीरे धीरे, हाँ, तो फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, इनोसेंस कम होती है। शट अप, ओके? इनोसेंस तो वैसा ही था, बट मुझे वॉइस मॉड्यूलेट करके छोटी करनी पड़ी। ओके, देन लाइक कितना टाइम हो गया दैट यू बीन द वॉइस ऑफ डोरेमोन? 13 and a half years, ऑलमोस्ट 14 years, 13.5। Oh my God, यार तुम्हारे मैं तो इतने साल, मतलब यू कैन एक्चुअली टेक अ रिटायरमेंट एक्चुअली फ्रॉम दिस। मतलब वो नहीं होता है कि सब कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स ही ऐसी होती हैं, यू नो, इसमें 36 साल का करियर होता है। ऑलरेडी करियर कितने साल का हो चुका है आपका? मैं तू से आप पे आ गई हूँ, मैं पहले बता रही हूँ। इंसान के काम से बड़ी इज्जत होती है। वॉइसिंग में देखा जाए तो 21 years, हाँ, डबिंग में 14। मैं नीचे बैठ जाऊं, आई डोंट डिजर्व टू बी सिटिंग ऑन द काउच। फ्रेम से बाहर निकल जाएगी तू। तो 200, 300, 400, 500 से भी ज्यादा कैरेक्टर कर रखे होंगे तुमने 21 साल के करियर में। जितनी ही मैं खुश हूँ इनसे मिलके, उतना ही मुझे खुद पे ऐसे धिक्कार आता है। धिक्कार होता है, धुतकार होता है, आई डोंट इवन नो द राइट वर्ड। मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे आता नहीं वो। देखो, लोग कहते हैं कि टाइम पे शुरू करना चाहिए। आई थिंक तुमने टाइम से पहले शुरू कर लिया और फिर पता नहीं तुम कितना आगे जाओगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड टू बी सिटिंग विद मिस सोनल कौशल। मतलब यू हैव बीन द वन वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो सब, मतलब लिटरली यू नो एवरी वन लुक्स अप टू, बिकॉज यू हैव एक्चुअली मेड इट टू द कपिल शर्मा शो। लाइक आई थिंक तो नो ना, देयर वाज वन वीडियो जिसके चलते हम सबको अपना वीडियो निकालना पड़ा, बिकॉज पीपल वर कंफ्यूज्ड कि कौन किसकी वॉइस है। सो उसकी शुरुआत मैडम ने करी, तो मुझे ना अभी विश्वास हो नहीं रहा। तो जब तक मैं नमूना नहीं देख लेती ना, तो मुझे विश्वास होता नहीं। हेलो, मैं हूं डोरेमोन और मेरे साथ बैठा है शिनचैन जो बहुत शैतान है। नहीं नहीं, आई कांट डू, आई कांट ट्राई ना। Hello. हाँ, we have to set a pitch ना। Hello. Hello. मैं हूँ डोरेमोन। मैं हूँ डोरेमोन। I'm just getting the इतना एक-एक pitch का हो रहा है। हाँ। Oh, madam पढ़ाती भी होगी। What do you do? Voice training. You give voice training. Yes. Where? Institute है बोरिवली मुंबई में, Violet Wings Voice Academy. Violet Wings Voice Academy. Great man, dude. And we train people. कितना पैसा कमाओगी तुम? वैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन आस्क्स मी कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बनते हैं। आई रियली वांट टू गिव देम द राइट आंसर। देखो, सबसे पहले तो डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है एक वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, इस सब के बीच में। माय फर्स्ट क्लास इन द एकेडमी। या नहीं, जेन्युइनली या टेल मी। सो जैसे अगर आप सिर्फ डबिंग करना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ यू नो वॉइस एक्टिंग करना चाहते हैं। वॉइस एक्टिंग भी, वॉइस एक्टर होना भी एक डिफरेंट चीज है। जैसे कि अगर आप रेडियो प्ले करते हो या फिर ऑडियो पायलट्स रिकॉर्ड करते हो, तो दैट इज वॉइस एक्टिंग। यू आर क्रिएटिंग अ कैरेक्टर ऑडियो में, राइट? वॉइस ओवर यानी जैसे जो हम डिस्कवरी वगैरह के शोज देखते हैं, इसमें नरेशन होता है, दैट इज अ वॉइस ओवर। या देन डबिंग, तो हमें पता है हॉलीवुड टू हिंदी या जो भी है, लिप सिंक प्रॉपर उसमें होता है। सो सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैक्सिमम काम जो है, मैक्सिमम वो होता है मुंबई में। सो इफ यू रियली वांट टू डू इट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, मुंबई आ जाओ। व्हाट इज द वन दैट यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट? डबिंग, डेफिनेटली लिप सिंक वाला करना। यस, एंड इट इज डिफिकल्ट बिकॉज मैंने बाकी इंटरव्यूज में भी, वीडियोज में बोला है कि आपको हेडफोन्स में ओरिजिनल ट्रैक सुनाई दे रहा होता है जो जापानीज है या इंग्लिश है, व्हाटएवर। सामने स्क्रीन है, उसमें आपको वीडियो दिखाई दे रही है, आपके सामने स्क्रिप्ट है, तो आपको सुनना भी है उसी टाइम पे, आपको देखना भी है उसी टाइम पे, आपको पढ़ना भी है उसी टाइम पे, आपको बोलना भी है। एग्जैक्टली। प्लस यू हैव टू चेंज योर वॉइस इफ द कैरेक्टर नीड्स दैट। एग्जैक्टली, फिर वो मॉड्यूलेशन का रहता है। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिंक ऑफ द पॉजेस ऑफ द एक्सप्रेशंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो अच्छा, डबिंग में भी होता है, एक एनिमेशन वाली डबिंग होती है और एक दूसरी जो ह्यूमन होते हैं, जो रियल ह्यूमन होते हैं, लाइव बोलते हैं उसको, लाइव डबिंग, उसको लाइव डबिंग बोलते हैं। तुम्हारे लिए जानकारी, मुझे ऑलरेडी पता था। शुरू में मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगा था लाइव डबिंग करने के लिए, वो भी इसीलिए क्योंकि
मैं खुद ही सोचती थी कि शायद मैं नहीं कर सकती. तो यू ऑलरेडी ब्लॉग, जैसे कि मेरे भी दूसरे लोगों ने बोल दिया अच्छा तुम एनिमेशन इतना करते हो कि नहीं कर पाओगी, तो ऑलरेडी उन्होंने मेरा एक्सपेक्टेशन अपने आप से ही फिर मेरा लो कर दिया. एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था, शुरू में कई लोगों ने मुझे ही बोला अरे इसमें ना एनिमेशन एनिमेटेड साउंड कर रहा है, और वो बेशक साउंड कर रहा हो ना कर रहा हो उनको लगता है हाँ जेन्युइनली होता है. जस्ट इमेजिन लोग बोलते जैसे कि अरे मैंने ऐसी मैंने आवाज करी ना, अरे इसमें शिनचैन टोन आ रही है. हाँ. अब ये सुनो, अरे इसमें शिनचैन टोन आ रही है, अरे इसमें शिनचैन टोन आ रही है, जमीन आसमान का फर्क है भाई. हाँ. कितना मुझे भी लोग बोलते हैं, सबसे फनी पता क्या है मुझे. हाँ. कई लोग तो बोलते तुम डोरेमोन जैसी दिखती हो. वो छोड़, वैसे तो पेट से तो नहीं लग रहा, बट मुझे सीरियसली लोग बोलते हैं मैं शिनचैन जैसी दिखती हूँ. है ना, बोलते हैं ना. माय प्रोफाइल्स Jen, I do look. Do I? No, you don't. I think ये fans का प्यार है यार. नहीं यार, मुझे लग रही है. Doraemon face wise. नीचे से बेडॉल नहीं है ये. वैसे थोड़ा देखो मेरा चेहरा, कहाँ से मैं Doraemon लग रही हूँ यार? तुम Doraemon लग रही हो. नहीं मैं Doraemon नहीं लग रहा. तुम Doraemon लग रही हो. अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो फाइन. ऐसे पता है Doraemon नोबिता को सुधार सुधार के इतना थक गया, अगर नोबिता की जगह शिनचैन होता Doraemon के साथ तो क्या होता. अरे मुझे गैजेट नहीं, मुझे चोको चिप्स दे दो. ओहो ये लड़का ना जब देखो मुझे परेशान करता रहता है. मैं इसे कोई गैजेट नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से. तुम घर में जल, मुझे तुम्हारे गैजेट चाहिए भी नहीं. अगर अंदर से Doraemon चला गया हो तो सुंदरी क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? और हाँ गाड़ी तुम्हें लानी पड़ेगी. मैं ऑटो लेकर आऊंगी, तू गाड़ी चल मेरे साथ. हाँ मैं गाती हूँ ना, मैंने डिज्नी के लिए बहुत सारे गाने. ये ना ये डिसअपॉइंटमेंट होती है कि तुम में नहीं है वो टैलेंट. वी आर इन द चैलेंज राउंड. यस मैं चैलेंज का कुछ तो होना चाहिए ना. रेडी करना. फर्स्ट वॉइस थी क्या? No, we did it. Yeah, you did it in one day. The main thing जो मैं चाहती हूँ, you should try. Shinchan. लिखना तुम. Shinchan भी Chin-chan. Shinchan. लोगों ने नाम भी सेव कर रखा है भाई. मेरी कोई इज्जत नहीं है. मेरे अंदर आकांक्षा शर्मा मर चुकी है. मेरा नाम है शिनचैन नुहारा और मेरी उम्र है पांच साल. By the way, एक टिप आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्व करना आना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बी इन दिस फील्ड. हाँ. Now, one voice from you. One by one. Let's do it. अरे जियान ने तुम्हें फिर से मारा? अरे जियान ने तुम्हें फिर से मारा? I'll help you. You're using your falsetto voice. फॉल्सेटो वॉइस पता है क्या होती है? नहीं. योर हेड वॉइस. यू यूजिंग दिस वॉइस. ओके. Doraemon की आवाज है वो, मतलब नॉर्मल ओरिजिनल आवाज, हाई पिच. अरे हां गाइस, अरे जियान ने तुम्हें, अरे अरे सो वी ट्रेन पीपल एट वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी. वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी. आज ही जाएं और करामाती तरीके पाएं वॉइस ओवर करने के, वॉइस मॉड्यूलेट करने के. वॉइस ओवर क्यों बोलते हैं? वॉइस ओवर क्यों बोलते हैं? ओवर बिकॉज़ दिस इज वॉइस ओवर समथिंग लाइक कोई वीडियो चल रहा है उसके ऊपर. ओवर इज ऊपर. ओके इट्स नॉट खत्म, इट्स ऊपर. इट्स ऊपर. ओके नाउ माय टर्न. ओके लेट्स डू दिस वॉइस. आई रियली थिंक तुम ये बहुत अच्छे से कर लोगे. कॉल से इट्स गेस द कैरेक्टर. हेलो शिनचैन, मैं हेलो दोस्तों, मुझे पत्थर इकट्ठे करना बहुत पसंद है. हेलो दोस्तों, मुझे पत्थर इकट्ठे करना बहुत पसंद है. ये मेरे से बेटर कर गई क्या? ओके नाउ योर टर्न. छोटा भीम. हाँ. घर से प्रैक्टिस तो इसे आता ही है.
let's just do it. Yeah. Two originals. ये क्या जग्गू, लगता है ढोलकपुर पर मुसीबत आई है, हमें कुछ करना होगा, चलो जल्दी चलते हैं। ये पूरे एपिसोड की लाइनें क्यों बुलवा रही हो तुम? एक बोल दो ना, हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम, बस इसने रटी हुई है लाइन। ऑब्वियसली मैं ढोलकपुर में रहता हूँ, मैं आपके लिए ढेर सारे लड्डू लाया हूँ। मैं आपके लिए ढेर सारे लड्डू लाया हूँ। एनिमेटेड वॉइसेस में मैंने PhD कर रखी है, एंड आई बिलीव डॉक्टर नहीं लूंगी तो इसको बुरा लगेगा। तो शी इज डॉक्टर सोनल कौशल, एंड आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जरूर आपकी आवाज सुन के लोग मरीज हो जाते हैं, एंड दैट्स अमेजिंग टू नो दैट यू हैव योर एकेडमी। एंड जेन्युइनली आई फील कि इवन आई नीड टू लर्न अ लॉट इन दिस। ये सुपर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही बस खत्म। इतनी वॉइसेस थी, मेरे को और नहीं आती बहन। मैं सॉरी मैं और बेस्टी नेक्रा सती, दिस इज माय चैनल। अच्छा, आदेश दादा, मैं दूं तेरे को एक वॉइस? ओ नो, हम यहां फंस गए हैं, कुछ करना होगा। ये तो इसको आता है, इसको फॉल्स वॉइस करनी आती है। यू कैन डू इट। ओ नो, हम यहां फंस गए हैं, कुछ करना होगा। ओ नो, हम यहां फंस गए हैं, हमें कुछ करना होगा। लेट्स डू इट टुगेदर। 1 2 3 ओ नो, हम यहां फंस गए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। थैंक यू सो मच। मुझे फीस कितनी देनी पड़ेगी? मेरे लिए सस्ता होगा, मतलब थोड़ा एक दो पप्पी दे दे चलेगा। ओह माय गॉड, सेंस।